हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे हैं। तो देखिए, अभी जस्ट उठा हूँ, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और देख रहा हूँ अभी सो रही है। तो देखिए कैसे बच्चे आराम से सो रही है। लालू। सो गाइस, सो आज लाल बाग जाने का प्लान बन रहा है। कौन कौन जा रहा है? तो चलिए अभी नीचे जाएंगे। चाची चलेगी, खुशी, राजू, कौन कौन चल रहा है अभी कुछ भी नहीं पता है। तो पहले जाके फटाफट फ्रेशअप होता हूँ, फिर आप लोग से मिलता हूँ और बताता हूँ कौन कौन चल रहा है। और आज कुछ खास है यहाँ का, आज कर्नाटक में कुछ खास फेस्टिवल है आज। तो पहले फ्रेशअप हो जाते हैं, बातचीत तो चलता ही रहेगा आपसे। सो देखिए, अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं। कौन कौन जा रहा है बता देता हूँ। देखिए, खुशी चल रही है, मीनाक्षी चल रही है, चाची चल रही है, राजू चल रहा है, मैं और फाइनली बगाऊ यानी कि अनवी। अभी रोई है, जैसे खाना नहीं खा रही थी, मम्मी बहुत जबरदस्ती खिला रही थी तो रो रही थी। नहीं रोते हैं, देख। तो चलिए हम लोग अभी फटाफट नीचे जाके कार निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी देख रहा हूँ बाहर इतना बारिश हो रहा है, पूछे में बारिश शुरू हो गया है, यानी कि हल्का हल्का बूंदी गिर रहा है। तो जाना अच्छा है या नहीं है कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अब जाने का इरादा हो चुका है और मेरा नींद टूट चुका है, तो चलेंगे कैसे भी हालत में। अगर नहीं बरसा तो देख के आपको भी दिखा के आएंगे, और अगर बरस गया तो कुछ बात ही नहीं। फ्लावर शो है गाइस, अगस्त 15, 26 जैन, और ऐसे अकेशनली मोमेंट में लालबाग में फ्लावर शो करते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, बहुत ही औसम रहता है, आप भी देख के दंग हो जाएंगे। और इस बार क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं है, कुछ डिफरेंटली करने वाले हैं। अनाउंसमेंट हुआ है कि पुनीत राजकुमार के हित में कुछ करने वाले हैं, तो चलिए देख के आते हैं कैसे क्या करते हैं और अपना जर्नी शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी मैं और अनवी आ चुके हैं कार में, तो कार बाहर भी आ चुका है, अभी कोई भी नहीं आया है। तो अभी चाची वाची तो आ गई है नीचे, तो देखते हैं। अच्छा चलो, बारिश अभी तो हो नहीं रहा है, किसे पता, कल ऐसे ही गए, यहाँ से जा रहा था, इधर बारिश हो रहा है, एसीएस लेवल में बारिश ही नहीं हो रहा है, तो पता नहीं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है गाइस, आप भी चलिए मेरे साथ। सो देखिए गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लालबाग। सो अभी यहाँ पे टिकट है, अंदर टिकट कहीं पे दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे दे रहे हैं। तो चलिए अभी जाके अंदर टिकट ले लेते हैं। तो देखिए सभी लोग एकदम से आ चुके हैं, लेकिन मैं तो खाना भी नहीं खाया हूँ, भूख लगने लगी है। तो चलिए देखते हैं कुछ अगर स्नैक्स वगैरह मिले तो लेके खा ले लेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बोनसाई पार्क। सो यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो कि एक इतने छोटे छोटे पेड़ हैं जो 10 साल या 20 साल के पेड़ हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे यह बोनसाई पार्क है। तो देखिए ये सभी जो है ना, यहाँ पे जितने भी पेड़ दिख रहे हैं पूरे बोनसाई पेड़ हैं, जो कि कम सोचिए 5 साल 6 साल ऐसे पेड़ हैं। देखिए ये भी देखिए कितना छोटा पेड़ है, लेकिन इसमें देखिए पूरा का पूरा, देखिए ये देखिए इमली का पेड़ है मेरे ख्याल से, देखिए कितना जड़ देखिए इसका। तो सब ऐसे पेड़ है ना कि पूरे के पूरे बहुत सालों वाले पेड़ यहाँ के बोनसाई में। यही रहे टेक्निक है कि 10 साल या 20 साल का पेड़ रहेगा तो भी इतना ही बड़ा रहेगा। सो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा अप्पू, जो कि कर्नाटका के पुनीत राजकुमार थे, उनके लिए जो ये लोग किए हैं सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, 75th इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत ही अच्छा से किए हैं। फिर ये देखिए सैंड हार्ट हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। तो अभी देखिए हम लोग आ चुके हैं ग्लास हाउस के पास, जहां एक्चुअल से फ्लावर शो होने वाला है। तो चलिए अभी चलते हैं। देखिए बहुत से आदमी, आज थोड़ा बहुत आदमी कम है क्योंकि आज फ्राइडे है और थोड़ा बहुत कम है आदमी लोग हैं, तो बहुत ही अच्छा। अभी तो माहौल उतना खास दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी कल अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, और 15 अगस्त को तो एकदम से समझ लीजिए भीड़ ही भीड़ रहेगा। तो चलिए अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है अंदर फ्लावर शो। सो ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया गया है फ्लावर से, ताकि पुनीत राजकुमार को देखिए ट्रिब्यूट देते हुए, बहुत ही इतना खूबसूरत से बनाया गया है, पूछिए मत। बहुत ही मस्त दिख रहा है गाइस, ऑसम दिख रहा है। सो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे डॉक्टर राजकुमार जी को ट्रिब्यूट देते हुए उनका स्टैचू बना हुआ है। तो देखिए अभी इस बार यहाँ पर लाल बाग में पूरे के पूरे डॉक्टर राजकुमार और पुनीत राजकुमार के हिसाब से ही उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। और देखिए ये रहा एकदम भव्य, इतना अच्छा दिख रहा है, इतना सुंदर। और देखिए यहाँ पर एकदम से बोल रहा हूँ ना यार गाइस, देख के मुझे तो पुनीत राजकुमार का बहुत याद आ रहा है यार, वो आई रियली रियली बहुत ही अच्छा एक्टर्स थे। और देखिए कितने आदमी लोग, देखिए हर तरफ उन्हीं का ही फोटो, और देखिए
अभी अंदर जाते हैं, अभी बाहर ही हैं तो देखिए। तो हर तरफ से उन्हीं के लिए, उन दोनों के लिए एकदम से इस बार 15 अगस्त जो कि लालबाग में मनाया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। तो चलिए अभी अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे देखिए सिर्फ वहाँ पे न्यूज़ चैनल को अलाउ किया गया है, सिर्फ अंदर न्यूज़ चैनल वाले ही हैं। और ये देखिए कितना अच्छा, इतना अच्छा, मुझे वहाँ से जाके करना पड़ेगा, तब जाके बहुत ही अच्छा क्लियर व्यू आएगा। तो अभी इसको यहाँ पर रखते हैं और आगे चलते हैं। आपने देखना गाइस कितने अच्छे तरीके से डॉक्टर राजकुमार को और पुनीत जी को ट्रिब्यूट दिया गया है। इस बार जैसे पहले भी बोला हूँ, इस बार पूरा का पूरा लाल बाग शो राजकुमार और पुनीत राजकुमार के लिए ही ट्रिब्यूट दिया गया है। तो ऑब्वियसली बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिए। तो चलिए अभी और बहुत जगह घूमना है और कुछ बहुत ज़्यादा आप लोग को दिखाना है, चलिए चलते हैं और आगे। सो गाइस अभी भूख लगी है और चलिए बिल लेने आए हैं, तो बिल बन गया है अपना, देखिए बेल बन गया है। और देखिए कितना भीड़, देखिए कितना भीड़ लग गया है। चलिए फटाफट लेते हैं, सुबह कुछ खाया नहीं था तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। देखिए कितना जोर से बारिश आ रहा है, तो सभी भीग रहे हैं। देखिए सभी लोग भाग के आ रहे हैं, आ जाओ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, बारिश का मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं और ट्रिप भी एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए खुशी को आम चाहिए और भैया देखिए आम काट के दे रहे हैं। पक्का है, कच्चा उतना नहीं है, कच्चा पक्का दोनों है। तुम्हें क्या चाहिए, अनवी को भी कुछ चाहिए गाइस। तो देखिए कितना जोर से बारिश आ रहा है और सभी लोग देखिए शेड में आ चुके हैं। देखिए वाह, देखिए कैसे सभी लोग छाते के अंदर हैं और फिर से बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश बंद हो रहा है, शुरू हो रहा है, आ रहा है। और ये देखिए अनवी, देखिए वहां से भूजा लेके खा रही है, गिरा रही है अपने हाथ से। देखिए यहाँ से भूजा है वहाँ पे, वहां से उठा के खा रही है। चाची कैसा लग रहा है, ठंडी ठंडी? चाची का तबीयत खराब है, फिर भी मौजा भी कर रही है, सजा भी हो रहा है चाची का। सो देखिए यहाँ पे अभी दुकान लगा हुआ है इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स। सो यहाँ पे जो कोई भी फूल या पेड़ या पौधा उगाया गया है ना, उसका आपको सीड्स मिलेगा। आप घर पे जाके आराम से सेम, लेकिन बहुत ट्राई किया हूँ मैंने भी। देखिए इसका, देखिए 30 रुपीज़। तो देखने में देखिए कितना खूबसूरत है, क्या कहें गाइस, इतना मस्त लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ले लें, लेकिन बस में नहीं है। तो देखिए कैटकस, देखिए वाव। तो यहाँ पे पहले कैटकस का एक गार्डन ही था, पता नहीं अगर है तो जाके देखेंगे। ये देखिए कलरफुल कैटकस, कलरफुल, एक 350 रुपीज़ का है और एक ऊपर वाला 200 का। तो देखने में देखिए कितने अच्छे हैं।
सो देखिए इस पेड़ में देखिए इतना छोटे छोटे लाल लाल फूल गिरा, और नीचे देखिए कितने अच्छे तरीके से एकदम से पिंकिश हो चुका है। देखिए लाइन से पेड़ है और देखिए कितने अच्छा दिख रहे हैं फूल। खुशी कैसा लग रहा है? तुम्हारा फेवरेट कलर है? चलो चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बारिश इतना हो रहा है, इतना हो रहा है पूछिए मत। देखिए पहाड़ पे बारिश पे भीज रहे हैं गाइस आदमी लोग। देखिए एक लड़की देखिए अच्छे से भीज रही है, पता नहीं उसको ज़्यादा गर्मी लगा है। देखिए चाची बोल रही है उसको ज़्यादा गर्मी लगा है, अनवी भी बोल रही है ए क्या जीभ निकाल रही है ए हो बारिश बारिश बहुत तेज से बारिश हो रहा है। तो देखिए गाइस हमारा जो छोटा सा ट्रिप बना था लालबाग के लिए तो खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसीलिए आए थे, किस लिए आए थे हम लोग? फ्लावर शो देखने आए थे गाइस। और जो फ्लावर शो देखे हैं बहुत ही अच्छा लगा, और जो ट्रिब्यूट दिया गया है राजकुमार को या पुनीत राजकुमार को मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा फ्लावर शो? पहली बार कौन कौन देख रहा है? सभी लोग चारों आदमी फ्लावर शो आज पहली बार, आज ही अनवी भी आप भी देखी हो ना चाची? हाँ पहले देखी थी, और पिछले बार जब मैं तो ये चौथा या पांचवा बार है मेरा, लेकिन इस बार जो ट्रिब्यूट दिया गया है तो बहुत ही अच्छा है। और मुझे इसमें खास ये पसंद आया कि इस बार पूरे राजकुमार के फैमिली को बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया गया है। और जो फ्लावर डेकोरेशन आज ही पहले बार ऐसा हुआ है कि आज ही खुला है और आज ही हम लोग आ चुके हैं। आज फ्राइडे था और अगर हम लोग लेट से आते तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, आज भीड़ भी कम था। तो चलिए अभी कार के पास चलते हैं, और यहाँ से कहाँ चलना है? विधानसौधा चलें? हाँ। तो चलिए यहाँ से अभी विधानसौधा चलते हैं। तो देखिए गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं विधानसौधा। ऑलरेडी मैं अपने ब्लॉग में दिखा चुका हूँ, और आ जाने का कारण यही था कि चाची पहली बार आ रही है हमारे साथ, और अभी तक चाची नहीं देखी थी विधानसौधा कहाँ पर है कैसा है, तो सोचे चलो चाची को दिखा देते हैं। तो चाची देखिए आ गई है, चाची यही देख लो विधानसभा यही है, अच्छा है। तो चलिए गाइस आप लोगों को भी एक व्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं फोरम मॉल, और जा रहे हैं इसे घूमने, पता नहीं क्या करेंगे लेकिन बर्गर वर्गर खाने का मन है। तो चलिए अभी मैकडोनल्ड्स यहाँ पर है तो इसे घूम लेते हैं, फिर कहीं और जाने का प्लान बनाते हैं। तो देखिए गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, मैकडोनल्ड्स आ चुके हैं, और अभी हम लोग ऑर्डर भी दे चुके हैं गाइस ऑर्डर भी। तो सभी लोग वेज ही खा रहे हैं सिवाय मेरे, नॉनवेज खा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया नहीं खाया हूँ तो इसलिए नॉनवेज बर्गर खा रहा हूँ। तो खुशी को सिर्फ फ्रेंच फ्राइज चाहिए, और उनकी मम्मी को सिर्फ फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तो सबके लिए अलग अलग ऑर्डर हो चुका है। तो चलिए अभी ऑर्डर हो चुका है, प्लेस ऑर्डर होके पेमेंट भी हो चुका है, तो चलिए ऑर्डर लेके और सभी लोग ऊपर वेट कर रहे हैं, चलिए सभी लोग मिलके साथ में खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा हमारा ऑर्डर, ये रहा कोक फ्लोट, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, वहाँ पर। तो चलिए फटाफट इसमें भिड़ते हैं गाइस, सभी लोग भिड़ जाइए, सभी लोग हाय बोल दीजिए सभी को। सो गाइस अभी जस्ट शाम के 6:15 हो रहे हैं, तो अभी जाके घर पहुँचे हुए हैं। तो अभी जाके फटाफट फ्रेश अप होता हूँ, ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ फ्रेश अप होके लॉगिन करता हूँ। फटाफट लॉगिन करना है, और अनवी खेल रही है, और क्या कहें, पहले लॉगिन कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी मुझे टाइम मिल गया कि चलिए व्लॉग को एंड करने का। सो आज का दिन आपने देखा कैसे हम लोग लालबाग गए, लालबाग में हम लोगों ने पूरे लालबाग को व्यू नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर फ्लावर शो हुआ था, और जो इम्पोर्टेंस लगा मुझे हाँ ये दिखाना चाहिए वो दिखाया हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस लालबाग को एक बार व्लॉग में दिखा चुका हूँ। फिर वहाँ से हम लोग गए विधानसौधा, विधानसौधा से वहाँ पर फोटोशूट अच्छा खासा हुआ, फिर वहाँ से हम लोग आए फोरम मॉल, फोरम मॉल में हम लोग मैकडोनल्ड्स में गए, वहाँ पे बर्गर वगैरह खाए, फिर घर आए। घर आते 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 बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, फिर लॉगिन करो बहुत टाइम ही नहीं मिला, और हम भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उस आराम से जल्दी से आके सो गए। और इतना टायर्डनेस हो रहा है गाइस, इतना नींद आ रहा है पूछिए मत, काम करने का मन नहीं हो रहा है। सो ओवरऑल वीकेंड रहता है ना फ्राइडे, बहुत वर्क प्रेशर रहता है, तो काम तो करना ही था।
तो बस आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो अभी कल कहाँ जाना है क्या नहीं, कुछ भी प्लान नहीं बनाया है। देखने कल तो आराम से सोऊंगा, यही सोचा कि आराम से सोऊंगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए गाइस। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।